दोस्तों रियलमी ने इंडिया में दो नए फ़ोन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें पहला है रियलमी एक्स टू प्रो और दूसरा है रियलमी 5S। लेकिन आज के वीडियो में हम रियलमी 5S के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो रियलमी 5 कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसी का अपग्रेड वर्जन यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है रियलमी 5S। लेकिन दोस्तों सेम प्राइस में कुछ दिन पहले रेडमी ने भी अपना एक नया फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया था, जिसका नाम है रेडमी नोट 8, जो कि दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही कमाल का है। इसमें भी आपको बहुत सारे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों रियलमी 5S के लॉन्च होने के बाद कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि इन दोनों फ़ोन में से किस फ़ोन को बाय करना चाहिए, कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोनों फ़ोन का मैं फुल कंपेरिजन करूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और दोस्तों कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा, ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो रियलमी 5S का डिजाइन दोस्तों आपको बैक साइड में काफ़ी अच्छा मिलेगा, हालांकि इसके बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी, इसमें आपको ग्लास नहीं दिया गया है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश दिया गया है, जिसके चलते देखने में फोन काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं अगर बात करते हैं रेडमी नोट 8 का, तो इसका भी डिजाइन आपको बैक साइड में बहुत ही शानदार मिलेगा। इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। दोस्तों दोनों ही फोन के बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अगर सामने की तरफ बात करें तो दोनों ही फोन में आपको ड्यू ड्रॉप की नोच दी गई है। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो रियलमी 5 में आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों पहले कहा जा रहा था कि इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फुल HD का सपोर्ट नहीं मिला है। वहीं दोस्तों रेडमी नोट 8 में आपको 6.3 इंच की इसमें आपको फुल HD का सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि डिजाइन और डिस्प्ले में दोनों ही फोन यहाँ पे अच्छे रहेंगे, लेकिन जो रेडमी का नोट 8 है दोस्तों ये आपको काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में आपको ग्लास मिल रहा है, इसमें आपको फुल HD का डिस्प्ले मिल रहा है। वहीं रियलमी 5S के बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलेगी, हालांकि इसके फ्रंट साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन जरूर दी गई है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको HD+ का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको जो डिस्प्ले दी गई है फुल HD का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिजाइन और डिस्प्ले में यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा रेडमी का नोट 8। अब बात करते हैं दोनों फोन के कैमरा के बारे में। दोनों फोन में आपको बैक साइड में 4 कैमरा दिए गए हैं और दोस्तों दोनों फोन में जो आपको कैमरा सेंसर मिलेगा आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। दोनों ही फोन में आपको मेन कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको सैमसंग का G1 सेंसर दिया गया है, जिसका अपर्चर 1.8 रहेगा। दोस्तों दोनों ही फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। तीसरा कैमरा आपको दोनों फोन में आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के लिए दिया गया है और चौथा कैमरा आपको दोनों फोन में 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ एनिमल करने के लिए। दोस्तों दोनों ही फोन के आपको बैक साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, EIS और स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको दोनों फोन के बैक कैमरा में आपको नाइट मोड का भी फीचर दिया गया है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बैक कैमरा में यहाँ पे दोनों फोन लगभग बराबर रहेंगे, दोनों ही फोन में आपको काफी अच्छी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। तो दोनों ही फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर 2.0 रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बैक कैमरा की बात की जाए या सेल्फी कैमरा की बात की जाए, दोनों फोन में आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर भी दोस्तों आपको दोनों ही फोन में आपको सेम मिल रहे हैं, जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दोनों फोन में दिया गया है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 GHz पे रन करता है, 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से या गेमिंग के हिसाब से यहाँ पे भी दोस्तों दोनों फोन आपको बराबर रहेंगे, दोनों फोन में आपको ज्यादा अंतर देखने को यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। बात करते हैं रैम स्टोरेज के बारे में। तो रियलमी 5 दोस्तों इंडिया में 2 वेरियंट में लॉन्च हुआ है, जिसका बेस वेरियंट इसमें आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज दी गई है। सेकंड जो इसमें आपको 4 GB रैम के साथ में 128 GB की स्टोरेज दी गई है। वहीं दोस्तों रेडमी नोट 8 भी इंडिया में 2 ही वेरियंट में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज दी गई है। दूसरा जो इसमें आपको 6 GB रैम के साथ में 128 GB की स्टोरेज दी गई है। दोस्तों दोनों ही फोन में आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, दोनों ही फोन एंड्रॉइड के 9.0 पाई पर रन करेंगे। अगर बैटरी की बात करते हैं तो रियलमी 5S में दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं दोस्तों बात करते हैं रेडमी नोट 8 में, तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा। और दोस्तों प्लस में इसमें आपको 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और बॉक्स में भी दोस्तों यहाँ पे 18W का चार्जर यहाँ पे Xiaomi ने पहली बार दे दिया है नोट सीरीज में। तो दोस्तों कह सकते हैं कि बैटरी में यहाँ पे दोनों फोन अच्छे रहेंगे, हालांकि दोस्तों रियलमी 5S में आपको बैटरी थोड़ी सी अधिक देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको टाइप सी या फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन के अदर फीचर के बारे में। दोनों ही फोन में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, दोनों ही फोन में आपको 3.5 mm जैक, OTG और डुअल 4G वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन नोट 8 में आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलेगी। प्लस में इसके साथ में आपको IR ब्लास्टर भी दिया गया है। तो दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को जरूर मिलेंगे रेडमी नोट 8 में। तो दोस्तों मेन बात करते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो जो रियलमी 5S है, इसका पहला वेरियंट लॉन्च हुआ है 9999 रुपये में और जो सेकंड वेरियंट है लॉन्च हुआ है 10999 रुपये में, जबकि नोट 8 का जो पहला वेरियंट है ये भी आपको
लॉन्च हुआ है 9999 रुपये में और जो दूसरा वेरियंट है ये लॉन्च हुआ है 12999 रुपये में। तो दोस्तों दोनों फोन का जो प्राइस है काफ़ी अच्छा रखा है दोनों कंपनी ने, लेकिन दोस्तों मेन बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा, किस फोन को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन बिल्कुल अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छे फीचर भी मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो रेडमी का नोट 8 है दोस्तों ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में आपको ग्लास मिल रहा है, इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट भी मिलेगा और दोस्तों आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगी। बॉक्स में भी आपको फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया जा रहा है। दोस्तों इसके में आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिलेगा, साथ में इसमें आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिलेगी। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा रेडमी का नोट 8। दोस्तों आप आराम से इस फोन को बिल्कुल आप ले सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा फोन रहेगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक रीजन है जिसके चलते आप Realme 5S को ले सकते हैं, वो है दोस्तों इस फोन की बैटरी, जो कि इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो इस फोन को आप देख सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले भी चाहिए तो आप इस फोन को देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों कह सकते हैं कि जो रेडमी का नोट 8 है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आपके अनुसार से इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्मार्टफोन के अपडेट लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।